In question number 8, we have to prove sine b minus c upon sine b plus c ki value b square minus c square upon a square ke. And RHS se solve karte hain is question ko, jo ki tha hamare paas b square minus c square upon a square and values apply karein jo ki humne sine formula mein padhi hai. B ki value hoti hai k sin b, c ki value k sin c and a ki value k sin a. And dono mein se upar k square common le lete hain numerator mein and denominator mein bhi. To cancel out ho jayega aur hamare paas bachega sin square b minus sin square c upon sin square a. एंड जैसे कि ये बचेगा तो ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होती है ए प्लस बी ए माइनस बी. तो यहाँ पे बना हमारे पास साइन बी प्लस साइन सी एंड साइन बी माइनस साइन सी, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाने के बाद आया हमारे पास. एंड डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास साइन स्क्वायर ए. एंड अब हमें क्या करना है, एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है इसके अंदर, साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला एंड साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन बी प्लस साइन सी का टू साइन बी प्लस सी बाय टू cos b माइनस सी बाय टू. एंड यहाँ पे भी 2 cos b प्लस सी बाय टू साइन बी माइनस सी बाय टू. एंड इसके बाद इसमें हमें एक बात नोट करनी है कि एक ऊपर फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे 2 साइन b प्लस सी बाय टू cos b प्लस सी बाय टू का, जो कि होता है साइन b प्लस सी. एंड ऐसे यहाँ पे भी बन रहा है 2 यहाँ से लिया, जैसे कि सारी टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो कैसे भी अरेंज करो इसको, 2 cos b माइनस सी बाय टू साइन b माइनस सी बाय टू, ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन b प्लस सी का. अब ये लगाया कैसे है फॉर्मूला, जैसे कि हमने साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा होता है, वो होता है 2 साइन a cos b. तो हमने यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया जिसको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला, जो कि 2 साइन a cos b होता है, जिसमें एंगल होता है हाफ. अब इसके अंदर हमें सब में एंगल दिए थे हाफ में दिए हुए थे, जैसे कि साइन बी प्लस सी बाय टू कॉस बी प्लस सी बाय टू दिया हुआ है. तो अगर हमें इसको लिखना है साइन बी प्लस सी, तो डबल ही लिखेंगे इसका मतलब, अगर बी प्लस सी बाय टू का डबल करते हैं तो वो बी प्लस सी हो जाएगा. तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी किया, साइन बी माइनस सी हो गया ये वाला, क्योंकि अगर हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया टू साइन बी माइनस सी बाय टू कॉस बी माइनस सी बाय टू और एंगल का अगर डबल करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन टू ए का, दैट मीन साइन बी माइनस सी का. एंड वैसे ही अब डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए दिया है तो हम ट्रायंगल का यूज करेंगे, जैसे कि सब क्वेश्चंस में यूज करते आ रहे हैं, जो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है. तो अगर हमें ए चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन ए है, तो हम साइन ए बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. तो ए का आंसर आ जाएगा 180 माइनस बी माइनस सी. एंड दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेते तो बी प्लस सी एंगल बना. एंड दोनों ही तरफ अगर साइन लेते हैं तो साइन ए तो यहाँ आ गया और यहाँ आ जाएगा साइन 180 माइनस बी प्लस सी. एंड जैसे कि हमें बताया साइन 180 माइनस बी प्लस सी, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें अगर हम, तो 180 में से कुछ एंगल माइनस करते हैं अगर हम, तो अगर हम सेकंड एंगल में बात करते हैं तो साइन होता है पॉजिटिव का ए एस टी सी के हिसाब से. तो यहां से अगर हम साइन पाई माइनस थीटा या समथिंग बी प्लस सी है तो वो लिखेंगे साइन ए इक्वल टू साइन बी प्लस सी पॉजिटिव का, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम जब भी बात करते हैं तो साइन होता है उसमें पॉजिटिव का. तो हम नीचे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन बी प्लस सी का स्क्वायर. एंड जैसे कि ये कैंसिल हो जाएगी एक टर्म क्योंकि नीचे स्क्वायर था, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी, जो कि एलएचएस के इक्वल हो जाएगा. इन क्वेश्चन नंबर 9th वी हैव बी प्लस सी कॉस बी प्लस सी बाय टू इक्वल टू ए कॉस बी माइनस सी बाय टू. एंड अगर इसको हम रीअरेंजमेंट करें क्वेश्चन का, अगर ए को ले जाए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी प्लस सी के नीचे एंड कॉस बी प्लस सी बाय टू को ले जाए नीचे, तो हमें एक नई स्टेटमेंट प्रूफ करने को मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू कॉस बी माइनस सी बाय टू कॉस बी प्लस सी बाय टू. एंड अब अगर हम ऊपर वाला क्वेश्चन प्रूफ करें या फिर ये वाला करें, बात एक ही है, हो तो यही वाली स्टेटमेंट प्रूफ रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर हमने स्टेटमेंट को चेंज किया है तो अगर थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करके भी प्रूफ कर दें, हो तो यही वाली स्टेटमेंट प्रूफ रही है, तो इस तरीके से भी प्रूफ करेंगे तो बिल्कुल सही है. तो अगर हम इसमें एलएचएस लेते हैं जो कि है बी प्लस सी बाय ए एंड बी की वैल्यू जैसा कि हमें पता होता है के साइन बी एंड सी की वैल्यू के साइन सी अपॉन ए की वैल्यू के साइन ए एंड सबकी वैल्यू पुट करने के बाद के आ जाएगा दोनों कॉमन ऊपर से, तो के से के कैंसिल हुआ, अब हमारे पास बचता है साइन बी प्लस साइन सी अपॉन साइन ए. एंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों में ही, साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन बी प्लस साइन सी का टू साइन बी प्लस सी बाय टू कॉस बी माइनस सी बाय टू अपॉन साइन ए का फॉर्मूला, जो कि साइन टू ए वाले फॉर्मूला से बनेगा हाफ एंगल फॉर्मूला से, जो कि हो जाएगा टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू. अब जैसे कि हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, बस एक ही टर्म बिल्कुल सेम आ रही है इन दोनों के अंदर, कॉस बी माइनस सी बाय टू, ये बिल्कुल सेम आ रही है, बट डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे पास जो भी आया, एंड न्यूमिनेटर में ये वाली टर्म भी एक्स्ट्रा है. तो यही कह सकते हैं एक टर्म जो है इन दोनों में से वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर जो डिनोमिनेटर में हमें प्रूफ करना है, और एक टर्म कैंसिल हो जाएगी जो भी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर को ही लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल से बनाया है, ए प्लस बी प्लस सी एंगल होता है 180 का, अगर हम एंगल से हम प्रॉपर्टी बोले किसी भी ट्रायंगल के अंदर, और एंगल ए की बात करें जो हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी. अब ये बी प्लस सी कॉमन, या ये बोल सकते हैं इकट्ठे अगर उधर जाते तो माइनस का हो जाएगा बी प्लस सी,
एंड अगर एंगल को हाफ कर दें ए बाय टू कर दें तो हो जाएगा 90 माइनस बी प्लस सी बाय टू। एंड जैसे कि हमें यहाँ पे साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए, डिनोमिनेटर को तो हमें बिल्कुल ही चेंज बनाना है, तो अगर हम साइन लेते हैं बोथ साइड तो यहाँ तो हो गया साइन ए बाय टू एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस समथिंग थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन ए बाय टू की वैल्यू आ जाएगी कॉस बी प्लस सी बाय टू जैसा कि हमें ऊपर चाहिए भी था। तो साइन ए बाय टू की वैल्यू तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड अब बचता है कॉस ए बाय टू की वैल्यू जो कि आएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही चल रहा है क्योंकि यहाँ पे भी हमें ए बाय टू एंगल ही चाहिए, तो अब ए बाय टू एंगल के आगे कॉस है तो हम इस वाले स्टेप के बाद हम ले सकते हैं टेकिंग कॉस बोथ साइड्स, तो हो जाएगा कॉस ए बाय टू कॉस 90 माइनस बी प्लस सी बाय टू। एंड जैसे कि हमें बताया कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो एक कॉस ए बाय टू की वैल्यू आ जाएगी साइन बी प्लस सी बाय टू। एंड कॉस ए बाय टू की वैल्यू अगर हम यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर देंगे जो कि थी साइन बी प्लस सी बाय टू, तो वो ऊपर वाले से हो जाएगी कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो आंसर है वो प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि हमने अब वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, साइन बी प्लस सी बाय टू की वैल्यू आई थी कॉस ए बाय टू, तो यहाँ पे हमने रख दी जो कि कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड साइन ए बाय टू की वैल्यू आई थी कॉस बी प्लस सी बाय टू जो कि हमने यहाँ पे भी रख दी, और जो आंसर आया वो बिल्कुल आरएचएस के इक्वली मिलेगा हमें।